हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास वन का एसएसटी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो पहले के दो वीडियो में हम लोग दो चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, शरीर के अंग, और सेकंड चैप्टर था हमारा केयरिंग फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर की देखभाल। सो आज हम लोग दो चैप्टर्स, उन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ, पहला एक्सरसाइज है फर्स्ट और उसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग। अब देखिए कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सी विथ आवर, हम लोग किसी चीज को हमारे शरीर के कौन से अंग से देखते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आईज है और नोज है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग आईज से देखते हैं, तो आईज में करेक्ट करेंगे। फिर देखिए, वी वॉक विथ आवर, हम लोग किस चीज से चलते हैं, हमारे कौन से शरीर के अंग हम लोग यूज करते हैं चलने में। आपके पास दो ऑप्शन है, हाथ है और हैंड्स है और लेग्स है। हैंड्स हमारे यूज करता है किसी चीज को काम करने में, किसी चीज को पुश करने में, पुल करने में, और लेग्स से हम लोग चलते हैं, तो लेग्स पे हम लोग टिक मारेंगे। फिर द थर्ड क्वेश्चन इज, वी ईट विथ आवर, हम लोग किसी चीज को किस चीज से खाते हैं, कुछ भी खाद्य सामग्री को हम लोग किस चीज से खाते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, माउथ और नोज। तो हम लोग माउथ से खाते हैं, माउथ का मतलब मुंह होता है, तो मुंह माउथ पे टिक लगाएंगे। फिर देखिए, वी हियर विथ आवर, हम लोग किसी भी ध्वनि को किस चीज से सुनते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फिंगर्स है और ईयर्स है। तो हम लोग ईयर्स से सुनते हैं, तो ईयर्स पे टिक लगाएंगे। तो देखा, पहला क्वेश्चन था वी सी विथ आवर ईयर्स, वी वॉक विथ लेग्स, वी ईट विथ माउथ एंड वी हियर विथ आवर ईयर्स। देखिए, मैच द फॉलोइंग देखते हैं। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है देखना। तो हम लोग देखते किस चीज से, हम लोग देखते हैं आईज से, ओके। तो आईज पे टिक लगाएंगे हम लोग। टेस्ट मतलब होता है किसी चीज का स्वाद लेना। अगर हम लोग कुछ चीज खाते, कुछ मिठाई खाते, कुछ तीखा खाते, तो पता चलता है कि नहीं ये मीठा है, ये तीखा है। तो वो किस चीज से पता चलता है, वो हमारे टंग से। टंग का मतलब होता है जीभ। तो टेस्ट किस चीज से करते हैं, जीभ से करते हैं, तो जीभ में लगाएंगे। हियर मतलब होता है सुनना, किसी भी चीज को सुनना। तो किसी भी चीज को हम किस चीज से सुनते हैं, शरीर के कौन से अंग से, तो वो हम लोग ईयर्स से सुनते हैं। उसके बाद किसी चीज को स्मेल हम किस चीज से करते हैं, किसी चीज को हम सूंघते किस चीज से है, तो वो नोज से सूंघते हैं, तो नाक हो गया। तो ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज था वो आपके पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, शरीर के अंग का था। अब देखिए सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का चैप्टर का नाम है केयरिंग फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर की देखभाल। तो इसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। वी मस्ट रिमेन फिट, हमें हमेशा अच्छा और हेल्दी रहना चाहिए, हमें हमेशा गुस्से में नहीं, हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। इफ वी प्ले इन मड, अगर हम लोग मिट्टी में खेलते हैं, तो हमारे कपड़े कैसे हो जाते हैं, साफ तो नहीं होते, गंदे होते हैं, तो डर्टी मिट्टी लगाएंगे। उसके बाद We should clean ourselves by having, हम लोग को साफ सुथरे होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, तो बाथ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद we must trim our, हमें अपने नाखूनों को काटना चाहिए, कानों को नहीं, तो नाखूनों पे लगाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, we must remain fit and healthy, if we play in mud our clothes become dirty, we should clean ourselves By having a bath, we must trim our nails. अब देखिए fill in the blanks देखते हैं। We should get early in the क्या होगा morning. Morning हो गया। उसके बाद we must brush our teeth in morning and at night. हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। पहले भी चैप्टर में मैंने बताया कि हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह उठने के बाद और उसके बाद दूसरा सोने से पहले। फिर देखते हैं, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स ने यूनिफॉर्म, क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म। फिर देखिए, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर, खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद धोना चाहिए, तो आफ्टर हो गया। तो देखिए, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सवेरे जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट ब्रश टीथ इन मॉर्निंग एट नाइट, हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम, रात को बेड पे जाने से पहले। फिर वी मस्ट हैव क्लीन यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल, उसके बाद वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील,
फिर देखिए क्वेश्चन आंसर से, वी शुड डू व्हाट वी शुड डू टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, हमें स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ और अच्छे रहने के लिए क्या करना चाहिए. टू रिमेन फिट एंड हेल्दी वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, अगर हमें अच्छा और स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे शरीर का एक अच्छा ख्याल रखना चाहिए. हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ब्रश आवर टीथ इन अ डे, हमें दिन भर में कितनी बार ब्रश करना चाहिए. वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह जब हम लोग उठते हैं तब और दूसरा हम लोग जब सोने, रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए. अब देखिए वाई शुड वी प्ले इन अ फ्रेश एयर, हमें एक ताजी हवा में क्यों खेलना चाहिए. हम सारे बड़े लोग कहते हैं हमसे कि मीन्स शाम हो जाती है तो छत पे जाकर खेलो, आउटडोर गेम खेलो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो काफी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, इसीलिए. सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.